दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्वीट के बारे में। जी हां दोस्तों, जो कि यहां पर जानी मानी जर्नलिस्ट सुचिता दलाल की तरफ से निकल कर आया है, जिसके बाद से शेयर मार्केट के अंदर तहलका आपको यहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम अभी शेयर मार्केट की बात करें तो जो कि हाई वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पर शेयर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जिसमें सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे जंप आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ निफ्टी फिफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इसके बीच में ऐसा ट्वीट निकल कर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ कल किन शेयर पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये शेयर्स बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर क्रैश हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ किन ग्रुप्स पर आपको फोकस करना है उन्हें भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लेडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप फोटो से ही समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जानी मानी जर्नलिस्ट सुचेता दलाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसने हर्षद मेहता स्कैम के अंदर भी बहुत अहम रोल यहाँ पर प्ले किया था, जिसको देखते हुए यहाँ पर हर्षद मेहता स्कैम यहाँ पर अगर हम माने तो वो पूरी तरीके से ओपन हो पाया था। साथ ही साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जर्नलिस्ट यानी कि सुचेता दलाल जी जो हैं वो पद्मश्री से भी यहाँ पर उन्हें मिल चुका है, जो कि 2006 में यहाँ पर मिला था। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं, जिसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें रिसेंटली इन्होंने जो कल ही के दिन एक ट्वीट किया है, जैसा कि आप तारीख भी देख सकते हैं 12 जून 2021 को ये ट्वीट निकल कर आया है। और इस ट्वीट के आने के बाद से पूरे शेयर मार्केट के अंदर तहलका मच गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनदर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ सेबी ट्रैकिंग सिस्टम। यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्लियरली किसी भी ग्रुप को यहाँ पर नाम नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी है कि सेबी के ट्रैकिंग सिस्टम से यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करी जा रही है, और यहाँ पर जो शेयर्स हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यानी कि उसकी प्राइस को पंप करके बिल्कुल डम किया जा रहा है। और यह मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर यह चीज बहुत ज्यादा चलती है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि कभी भी शेयर मार्केट के अंदर अगर एंट्री लें तो पूरी लर्निंग और पूरी स्टडी के बाद ही एंट्री लें, क्योंकि यहां पर आप ऑपरेटर के गेम में फंस सकते हैं, और ये एक छोटा मोटा कोई ऑपरेटर का गेम नहीं है। क्योंकि यहां पर जो जानी मानी जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की तरफ से ट्वीट निकल कर आया है, इसमें बहुत बड़ा ऑपरेटर का गेम बताया जा रहा है, जिससे यहां पर डायरेक्ट किसी ग्रुप को नाम नहीं लिया गया है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जो सुचिता दलाल ने जो यहां पर ट्वीट करा है, उसमें लिखा है इज द रिटर्न ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ द पास्ट हु इज रिलेंटलेसली रिगिंग प्राइसेस ऑफ वन ग्रुप ऑल थ्रू फॉरेन एंटिटीज हिज स्पेशलिटी एंड डेट ऑफ फॉर्मर एफएम। यानी कि उन्होंने यहां पर क्लियर एक चीज मेंशन करी है कि इसमें फॉरेन एंटिटीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये ट्वीट निकल कर आया है के बाद से ही यहां पर बहुत ज्यादा यह न्यूज चर्चा में है। उन्होंने यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी को भी यहां पर टैग किया है, तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर अवेयर हो जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक शेयर का यहां पर ट्रेडिंग चार्ट ओपन कर रखा है। मैं इस शेयर का आपको यहां पर नाम नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर इस शेयर का पिछले एक साल का ट्रेडिंग चार्ट देखेंगे तो आप खुद यहां पर समझ जाएंगे कि इसकी शेयर के प्राइस के साथ क्या सच में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। यहां पर मैं नाम इसीलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से यहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, जब तक एक्चुअल में नाम यहां पर निकल कर नहीं आ जाता है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस शेयर की प्राइस आपको यहां पर कंटिन्यूसली आपको एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही थी, उसमें पिछले एक साल में इतना जंप, यानी कि इसी को कहते हैं पंप एंड डंप। जी हाँ दोस्तों, जब शेयर की प्राइस के साथ ऑपरेटर मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक इसे हम एक यहां पर फोटो से समझ सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटर जो रहते हैं वो यहां पर शेयर की प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे उसकी शेयर प्राइस को यहां पर पूरी तरीके से बढ़ाया जाता है। और उसके बाद में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो यहां पर शेयर मार्केट के अंदर फ्रेश एंट्री लेते हैं, वो यहां पर एंट्री ले लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि शेयर की प्राइस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको बनाकर दे सकती है, और उसी के बाद में ये ऑपरेटर उस शेयर की प्राइस को पूरी तरीके से डंप कर देते हैं, जिसके कारण जो ऑपरेटर रहते हैं वो बुरी कदर फंस जाते हैं और अपनी पूरी जो कैपिटल है उसे यहां पर
खो देते हैं। तो ये एक छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। हर्षद मेहता केस में भी यही हुआ था। अगर आपने हर्षद मेहता केस को पूरा स्टडी कर रखा है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ जानते होंगे। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, और शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने एंट्री ले रखी है तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन को भी ट्रैक करेंगे तो बिटकॉइन के अंदर भी ऐसा ही कुछ आपको पिछले एक साल के अंदर देखने को मिला। कंटिन्यूसली इसकी शेयर प्राइस के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया, यानी कि एक टाइम तो इसकी शेयर की प्राइस, मतलब अगर एक बिटकॉइन की प्राइस की बात करूं तो 46,48,487 रुपये पर पहुंच गई थी। लेकिन आज की अगर हम करंट शेयर प्राइस की बात करें तो एक बिटकॉइन की प्राइस हो गई है 26,18,461। यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहले इसे पंप किया गया और इसे एकदम से यहां पर डंप कर दिया गया है। तो इसमें जितने भी ऑपरेटर रहते हैं वो बुरी कदर फंस सकते हैं। मेनली किन ग्रुप्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी ग्रुप को यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप इन ग्रुपों के शेयर्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होकर चलें। जैसा कि सबसे पहले टाटा ग्रुप को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, फिर रिलायंस ग्रुप है, साथ ही साथ में अडानी ग्रुप है, इन सब पर आप फोकस रख सकते हैं। और इन सभी शेयर्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली अब आप थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर होकर चल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये तीन ही ग्रुप है, और भी दूसरे भी ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगी तभी हम आपको यहाँ पर नाम भी अनाउंस करेंगे और नाम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर पोजीशंस बनाए रखी है तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस न्यूज़ का, इस ट्वीट का इम्पैक्ट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान शेयर मार्केट के ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ और अपडेट पसंद आई है तो इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस स्कैम से बच सकें और यहां पर अपनी पोजीशंस को पूरी तरीके से लर्निंग करके चल सकें। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आपको शेयर मार्केट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और हाँ, यदि आप किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि हमने ये जितनी भी वीडियो बनाई हैं ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई हैं। हम बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपकी रिस्क के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।